तो कैसे हाल चाल हैं आप सभी के दोस्तों। आज मैं आपको ऐसी जगहों के बारे में बताऊंगा जहां गुरुत्वाकर्षण बल कुछ काम का नहीं है ऐसा लगता है। हमारी पृथ्वी में हर एक चीज़ सही तरह से काम करे इसके लिए गुरुत्वाकर्षण का होना ज़रूरी है। गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही हम चल पाते हैं, लेकिन हमारी पृथ्वी पर ऐसी कई जगह भी हैं जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल है ही नहीं ऐसा लगता है। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। मैग्नेटिक हिल भारत के लेह से करीबन 30 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसने सभी को हैरानी में डाल रखा है। इस जगह को मैग्नेटिक हिल के नाम से जाना जाता है। ये जगह ले कारगिल हाईवे पर एक जगह है जहां मैग्नेटिक हिल अपना कमाल दिखाती है। एक सामान्य ढलान वाले रास्ते पर कार या कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी, लेकिन मैग्नेटिक हिल स्पॉट पर अपनी कार खड़ी करने पर वो अपने आप ऊपर की तरफ चलने लगती है। पर ऐसा क्यों होता है, जिसके पीछे कई थियोरीज दी जाती हैं, जैसे कि यहाँ के पहाड़ मैग्नेटिक फोर्स पैदा करते हैं जिसमें कोई भी वाहन आने पर पहाड़ उसे अपनी तरफ खींचते हैं। दुनिया में ऐसी कई जगह हैं जहाँ इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड बनती हैं, जिससे वैज्ञानिकों के लिए इसे समझना काफ़ी मुश्किल बना हुआ है। ऐसा यहाँ क्यों होता है, इसके बारे में कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है। हाँ, अगर आपके पास कोई थ्योरी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिस्ट्री स्पॉट। मिस्ट्री स्पॉट अमेरिका में कैलिफोर्निया के सांता क्रूज इलाके में है। ये एक रहस्यमय जगह है जहाँ गुरुत्वाकर्षण एक अलग तरह से ही प्रतिक्रिया करता है। ये जगह 1939 में यहाँ काम कर रहे लोगों के ग्रुप ने खोजी थी। इस जगह की खोज के बाद से ही ये जगह विज्ञान को चुनौती देती है। अब ये जगह यहाँ आने वाले हजारों पर्यटकों को अचंभे में डाल देती है। मिस्ट्री स्पॉट पर आप सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण आपको सीधा खड़ा रहने नहीं देता है। यहाँ पर चीज़ें ऊपर से नीचे नहीं जाती हैं, यहाँ चीज़ें नीचे से ऊपर जाती हैं, जिसे देखकर आपको अपनी आँखों पर विश्वास नहीं होगा। यहाँ गुरुत्वाकर्षण इतनी अलग तरह से व्यवहार करता है, जिसके पीछे लोग अपनी ही थियोरीज देते हैं। जैसे कि कुछ लोगों का मानना है कि इस ज़मीन के नीचे UFO दफन है, जिस कारण यहाँ ऐसा होता है, और कुछ का मानना है कि इस जगह के ऊपर पृथ्वी की ओजोन लेयर में छेद होने के कारण यहाँ ये परिस्थिति बनती है। अब इसके पीछे सच्चाई क्या है, कोई नहीं जानता। रिवर्स वाटरफॉल। जहाँ बात आती है झरनों की, तो खूबसूरती और ऊपर से नीचे बहता पानी ही दिमाग में आता है। लेकिन क्या किसी झरने का पानी नीचे से ऊपर की तरफ जा सकता है? तो उसका जवाब है जी हाँ, ऐसा हो सकता है। और हमारे लिए ये ज़्यादा खुशी की बात है, क्योंकि ये घटना भारत के पुणे में होती है। ये जगह पुणे से करीबन 129 किलोमीटर दूर संधान वैली में है, जहाँ ये अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ पानी झरने से नीचे तो जाता है, लेकिन आधे रास्ते के बाद ये ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। मैं बता दूं कि ये घटना कोई गुरुत्वाकर्षण को मात नहीं देती है, बल्कि यहाँ की तेज हवा के कारण झरने का पानी ऊपर की तरफ बहता है। इस झरने की ऊंचाई करीबन 200 फीट की है। भले ही इसका गुरुत्वाकर्षण से कोई लेना देना ना हो, लेकिन यह घटना उससे कम भी नहीं है। यहाँ की खूबसूरती आपका मन मोह लेगी और यहाँ बिताया समय आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब खत्म हो गया। कॉस्मोस मिस्ट्री। कॉस्मोस मिस्ट्री एरिया अमेरिका के साउथ डेकोटा में है। इस जगह की कहानी शुरू होती है
1950 में, जब यहाँ दो स्टूडेंट एक छोटा सा कैबिन बनाने के लिए जगह खोज रहे थे, उन्हें जब ये जगह दिखी तो यहाँ आसपास कोई नहीं था और इस जगह की हालत भी काफी खराब थी। जब दोनों बच्चे इसके अंदर गए तो वो हैरान रह गए। वो यहाँ पर सीधे खड़े नहीं हो पा रहे थे। उन दोनों बच्चों को लगा कि इस जगह के बारे में दूसरे लोगों को भी बताना चाहिए। इस कमरे में आकर लोगों को एक अलग ही अनुभूति और मज़ा आता है। लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ कोई कमाल नहीं है, ये तो बस हमारी आँखों का धोखा है, जिसमें हमें ऐसा लगता है कि यहाँ गुरुत्वाकर्षण काम नहीं कर रहा है। पर असलियत में इस कमरे को ढलान पर बनाने से ये परिस्थिति बनती है और ये जगह एक मनोरंजन पार्क की तरह बनाई गई है। होवर डैम। होवर डैम अमेरिका में बना एक डैम है। यहाँ पर एक अलग सा नज़ारा देखने को मिलता है। अगर आपको इस डैम पर जाने का मौका मिले तो आप भी यहाँ पर एक मज़ेदार चीज़ कर सकते हैं, जो है आपको इस डैम से पानी नीचे की तरफ डालना है। यहाँ सामान्य परिस्थिति में पानी नीचे जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पानी ऊपर की तरफ जाता है। ऐसा यहाँ क्यों होता है? इस डैम की बनावट के कारण, जो सामने से बहती हवा को ऊपर की तरफ फेंकता है, और ये जगह खुली होने की वजह से यहाँ हवा की रफ्तार काफ़ी तेज़ होती है, जिससे पानी को हवा ऊपर की तरफ फेंकती है। यहाँ पानी गुरुत्वाकर्षण को मात देता लगता है, जिसे देखना मज़ेदार है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपके पास भी कोई सुझाव हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।